इस बार तो केदारनाथ के सब याद, वो जो वहाँ के दुकानदार है सब परेशान है, सब तोड़ दिया, 15 दुकानें तोड़ दी, एक का घर दुकान तोड़ दिया, रास्ते के दोनों तरफ खाई खोद दिया, और नीचे यात्रा किया तो खाई तो बंद कर दिया, नीचे यात्रा में व्यवस्था कुछ भी नहीं, और गौशाला तोड़ दी, कई ऐसे सब कर, तो इसका कुछ तो हो सकता है ना, जैसे हम भी देख रहे हैं दुनिया में, हमारे नाम से वोट ले रहे हैं, धर्म के नाम से वोट ले रहे हैं, तो धर्म तो कर नहीं रहे हैं। बात ये है ना कि धर्म वो चाहते हैं कि हम जैसे चाहें वैसे करें, और ये जो परंपरागत लोग हैं ये परंपरा को मानते हैं तो खा का कुशारी हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं मंदिर से, ये चाहते हैं कि परंपरा का पालन हो, वो चाहते हैं कि हमारे अनुसार हो, हमारे जब ऑफिसर आए, हमारे जब नेता आए तो अगल बगल में उनके लिए बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस बन जाए, उनका प्रतीक्षालय बन जाए, बढ़िया हॉल बन जाए, मीटिंग रूम बन जाए, हमारे अफसर आए तो बैठे, ये सब चाहते हैं। अब धर्म के नाम पर सब के सोचने का तरीका अलग है, और जो परंपरागत है उनका सोचने का तरीका अलग है। आर्थिक दृष्टि से ये जगह बन गई, अब यहाँ से कितनी आमदनी होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जो ये लोग सोचते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हो, आमदनी तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो जिंदगी है, जिंदगी ही रहती है, जीवन के लिए उसकी भी जरूरत है, लेकिन वो मुख्य नहीं है इनके लिए, मुख्य नहीं, वो दो नंबर पे है, एक नंबर पे भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद उनके लिए, एक नंबर पे पैसा है, दो नंबर पे बाकी सब है, यही मूल रूप से सोचने का अंतर है, और इसीलिए सब चीज़ें बदल जाती है ना। अब इनके पुरखों ने आज तो देखो समय हो गया, संसाधन हो गए, बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ा आमदनी, इनके पुरखों ने हजारों साल से कैसे रहे हैं यही जानते हैं बिल्कुल, एक आदमी नहीं आता था, यहीं सब्जी भाजी उगाते थे और यहीं भगवान को भोग लगाते थे, लेकिन फिर भी यहीं पड़े रहे, भगवान की सेवा हमको मिली है, हमारा सौभाग्य, तपस्या करके आज ये संतान आई है, ऐसे नहीं आ गई है, 4 बजे इनकी तपस्या के आधार पे जब मौका आया कि ये भी थोड़ा सा भोग लें, दूसरे आ गए, सही बात बताइए, जब भगवान का भोग लग जाता था उसके बाद सब लोग खाना खाते थे 4 बजे, और सुबह दाल को रखनी होती थी, हम 9-10 साल के थे, दाल सुबह 8 बजे रखनी होती थी और शाम तक वो कच्ची ही रहती थी 4 बजे तक, अभी है, पहले काफी कष्ट से यहाँ लोग रहते, और अभी जैसे दुकानदार है मेरा, थोड़ा मित्र है, तो वो बोलता है हम तो बचपन से यही है, तो हमारे यात्री भी चेंज हो गए हैं, जो यात्री पहले आते थे श्रद्धा से आते थे, आज तो कुछ चीज़ों के लिए आते हैं यहाँ पे, बस साइड में पड़े रहे, कुछ साइड में पड़े रहे बस उसके लिए आना, लोग यात्रियों की पूरी सेवा करते थे, आते ही से उनको गर्म पानी देते थे, आते ही से उनको चाय देते थे, मीठा पेय देते थे, भोजन कराते थे, और पूरा ख्याल रखते थे, संकल्प कराते थे, सब करते थे, अब वो सब खत्म, सब ये आओ अपना काउंटर पे पैसा जमा करो, सुविधा मिलेगी, चले जाओ, सेल्फी बना लो, तो इसका कुछ तो होगा, क्या है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, दर्शन कोई नहीं करता है, भगवान के दर्शन से पहले कैमरा निकाल लेता है, फोटो हो जाए, दर्शन करने का मौका तुमको कहाँ है, नहीं है, बात करते ही तो कैमरा निकाल लेते, रिकॉर्डिंग होने लगती, रिकॉर्डिंग होने लगती, रिकॉर्डिंग में ध्यान चला जाता है, भगवान में कब ध्यान जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो भगवान की छवि जो है कैमरे में बसाने की नहीं, हृदय में बसाने, जब आप बिना कैमरा के उनको देखोगे धीरे 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 वो छवि अंदर बैठ जाएगी, और फिर जब जाओगे आँख बंद करोगे दिखेगी, वो आनंद है। अब वो चीज कोई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दिखे यूं हो रहा है कि नहीं, थोड़ा घुमा भी दूं तो घुमा भी दूं, उसी में चले गए, इसमें कहां दर्शन है, इसमें संस्कारों का भी तो खेल हो सकता है, जैसे बड़े उनको बच्चों को संस्कार दें, वैसे ही होता है ना, बड़े बच्चों को संस्कार, यही तो सारा खेल है, खेल है भाई, और किस चीज का खेल है, सारा खेल संस्कार है, संस्कार हमने पाए नहीं और आगे चल के हमको ही दिक्कत आनी है ना, हमारे बच्चों को दिक्कत आनी, संस्कार का ये है कि ऐसा नहीं कह सकते कि हमने संस्कार नहीं पाए, संस्कार तो आपको मिल ही जाएंगे, अच्छे संस्कार नहीं पाए, हाँ अच्छे संस्कार, बुरे पाए, क्योंकि पाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पाना पड़ेगा, ऊपर कुछ ना कुछ तो संस्कार अंकित होगा, या तो अच्छा कर लो या तो बुरा कर लो, आप कुछ ना कुछ तो याद करेंगे, तो अच्छा कर लो या तो बुरा कर लो, तो ये बच्चे जो है उनको तो संस्कार चाहिए, वो तो प्लान है, बिल्कुल कुछ ना कुछ ग्रास्प करेंगे,
तो वो अगर आप उसको अच्छा बता दोगे तो अच्छा धारण कर लेंगे, धारण तो नहीं तो जो कुछ हुआ वही धारण कर लेंगे, कूड़ा कचरा जो मिलता गया जिंदगी चलेगी उनकी, जो मिलता गया वही वही हो रहा है आज बच्चों को जो मिलता जा रहा है इधर से उधर से उठाते चले जा रहे हैं। मैं रोते हुए आया हूँ पूरा बच्चों को देख के, अगर सिर्फ बस हर 5-10 मिनट में ये समस्या है। शंकराचार्य जयंती को क्या कार्यक्रम करेंगे आप लोग यहाँ? शाम को पूजा होगी, पूजा होगी, क्या क्या होता है, कौन कौन आते हैं आपके यहाँ के? पंच पंडा है आपके, सब लोग आते हैं। ठीक है, तो इस बार अच्छे से करना, पिछली बार तो बिल्कुल सूखे हुए फूल दे दिए, हाँ पिछली बार तो आपने देखा क्या हालत, इस बार तो कम से कम मतलब कुछ तो है, पिछली बार तो बहुत दुख हो गया था। हम चाहते हैं कि आप क्या आप तो बने वहाँ पे, जब आप आए तो आप ही के लिए बने हुए, आपका आशीर्वाद चाहिए। किरानपुरी में 5 खेत जगह पे अटमंड वाली जमीन नीचे जो घाट है वहाँ पे, तो हम चाहते हैं एक जगह मिली वो सारी जमीन, तो हम वहाँ पे भवन बनाए, जब भी आप आए तो आपके लिए एक स्पेशल रूम हो। ये शंकराचार्य हैं।